लखीमपुर खीरी पहुंचे कांग्रेस स्टार प्रचारक शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रवि के समर्थन में खीरी कस्बे के कॉलर मैदान में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शायर इमरान प्रताप गढ़ी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शायर इमरान ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। वहीं आवारा पशुओं, महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर हिंसा सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। इमरान ने कहा, कांग्रेस अच्छे लोगों को प्रत्याशी बना रही है, युवाओं को रोजगार देने व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग से योजना है। अब देखना यह होगा कि जिसने जनता के लिए 5 वर्ष लड़ाई लड़ी वो जनता उसको चुनेगी या फिर झूठे जुल्मेबाज लोगों को चुनेगी। लखीमपुर खीरी से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। कांग्रेस अच्छे लोगों को प्रत्याशी बना रही है, युवाओं के रोजगार की बात कर रही है, महिलाओं के लिए अलग से उनके सशक्तिकरण की बात कर रही है। ऐसे में जनता को ये देखना है कि जिसने 5 साल उसके मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है उसे चुनेगी जनता या फिर वही झूठे खोखले नारों वाले लोगों को। सवाल है कि भाजपा कह रही है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? 700 जाने लेने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो किसानों का सम्मान करते हैं तो शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। विधायक ने बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी के, उस विधायक से जेल में मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद साक्षी महाराज जेल जाते हैं और छाती चौड़ी करके बताते हैं कि हाँ हम मिलने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा कितना सम्मान करती है महिलाओं का। भाजपा के महिला सम्मान और किसान सम्मान, नौजवान सम्मान, दलित सम्मान, मुसलमान सम्मान, पिछड़ा सम्मान, ये जितने नारे हैं सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह झूठे हैं।